की बात है तो क्या पड़ेगा शिक्षक हमें भाड़ा थोड़ा दे कबर सुने रही अभी 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 जिन्ना जानवर सारे भाग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हमारे ग्राम सभा बनाड़ी में जो आजकल जो कांड हुआ था जी नर पक्षी के बगेरे की वजह से जी जो लड़का बगेरे ने धाड़ दिया था जी 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 उसके चक्कर से हम रात को घूम रहे हैं बिल्कुल गांव में अभी सिरा क्योंकि आजकल खेतों का काम ज्यादा है बिल्कुल और टाइम पे जाए और टाइम पे आए बिल्कुल जी जी ताकि अपने घर में सुरक्षित रहे और साथियों आजकल बाघ का आतंक अपने क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और वन विभाग ने अपनी टीम तैनात कर रखी है अपने गांव के चारों तरफ और अभी रात्रि का समय है और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं जंगल में चोट करने। अभी दिखाता हूं आपको ये पहाड़। साथियों वीडियो में तो खूब लगते हैं लेकिन बाघ और जब जंगली जानवरों का आतंक गाँव में होता है तो उसका कहर आप इसी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अपने गांव के वन पंचायत सरपंच जी से मिलाते हैं आप सभी को। उनको क्या जिम्मेदारी मिल रखी है इस काम में श्री जी? और हमारे यहाँ वन सरपंच जी का नाम है श्री श्यामलाल जी और उनको जो जिम्मेदारी सौंप रखी है वन विभाग ने गांव के चहुं दिशाओं में चोट करेंगे ताकि जो बाघ का आतंक है वो दूर भाग जाए और जो आदमखोर बाघ है। साथियों एक केस देखने को मिला था बनाड़ी में झपट्टा मारा था उन्होंने एक पे तो चलते हैं उनके मुख से सुनाते हैं आपको क्या। आज की बात है तो आज की बात कबरी सुने रही अभी 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 जिन्ना मारा गया तो जबान ना मार रुके सगा। तो सरपंच जी क्या कहना चाहेंगे आप बाघ के इस आतंक के बारे में? आतंक हमारे जो यहाँ पे जो गांव में आ रखे नर पक्षी ना जी इसके भगाने के लिए हमने ये नर पक्षी भगाने के लिए हमने ये जो गन जो ला रखी है हाँ जी ये जो हमने अभी जो इसके लिए जो है हमने नर पक्षी भगाने के लिए गन का प्रयोग किया इससे ना तो कोई गोली निकलती है जी इससे सिर्फ गैस की वजह से इसकी जो चोट होती है ना इससे जो है जंगली जानवर कोई भी हो ये बंदर हो ये बगेरा हो जी या भालू हो या कोई भी जो भी होता है जंगली जानवर सारे भाग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हमारे ग्राम सभा बनाड़ी में जो आजकल जो कांड हुआ था जी जी नर पक्षी के बगेरे की वजह से जी जो लड़का बगेरे ने धाड़ दिया था जी 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 उसके चक्कर से हम रात को घूम रहे हैं बिल्कुल गाँव में अभी सिरा गए थे बिल्कुल टिपड़ाली गए थे बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मौसम खराब होने के कारण से हम बनाड़ी नहीं जा पा रहे हैं जी 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 और ना गड़ज जा पा रहे हैं जी जी नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि रात को हम ड्यूटी कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल हर गांव में बिल्कुल बिल्कुल इस गन के वजह से जी 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 और ना हम ये नहीं अपनी जिंदगी के लिए ये नहीं सोच रहे कि हमारी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम ये सोच रहे कि नहीं हम डर जाएंगे बिल्कुल 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 ठीक है हम ये चाह रहे हैं कि जनता की सेवा के लिए हम ये तत्पर खड़े हैं बिल्कुल बिल्कुल और जनता की सेवा करेंगे बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद है बिल्कुल और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कार्य में और आपका जो समर्पण है वो देखकर हमें अच्छा लगा और आप भविष्य में ऐसी सेवा करते रहे जनता की वासियों से निवेदन करता हूँ जी 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 और औरतों से भी वो जो हमारे गाँव से या कोई दूसरे गाँव से जो भी है जी उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ताकि वो टाइम पे जाए और टाइम पे आए बिल्कुल 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 क्योंकि आजकल खेतों का काम ज्यादा है बिल्कुल और टाइम पे जाए और टाइम पे आए बिल्कुल जी जी ताकि अपने घर में सुरक्षित रहे और
और चल जाओ अपना खाना तुमने बनाओ, ताकि आप जो अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनको घर में ज्यादातर बाहर ना आने दे। बिल्कुल, अपने घर के अंदर है, अपने नजर के अंदर रखे। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर ना आने दे। सभी से मेरे निवेदन है क्षेत्रवासियों से जी, धन्यवाद। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों जो बाघ का आतंक है साथियों, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछली बार भी एक केस देखने को मिला था, और जो सरपंच साहब हैं ये अपनी ड्यूटी पूरी तन मन धन से कर रहे हैं, और एक सरपंच साहब वन पंचायत सरपंच साहब ग्राम गडोली से, और साथियों ऐसी जन सेवा के लिए इनका बहुत बहुत आभार। तो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं, और पूरे क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, समय से अपना खेतों का कार्य करके अपने घर पर आएँ, क्योंकि बाघ का जो समय है रात को ज़्यादा घूमते हैं, तो इसलिए सांझ के वक्त जल्दी घर को आ जाएं। तो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, उत्तराखंड, नमस्कार।